प्लीज वेडी को स्कैप मत करिए, मेरी मदद करिए प्लीज़, क्योंकि यूट्यूब ने मेरे अकाउंट को ना नॉन मोनेटाइजिंग किया हुआ है, क्योंकि मैंने बाहर की वेबसाइट से टिकटॉक इंस्टाग्राम वगैरह से मैं वीडियो लेके आता था और यहाँ पे शॉर्ट वीडियो को पोस्ट करता था, तो उस वजह से मेरा जो अकाउंट था 15,000 सब्सक्राइबर थे वो अब नहीं रहे, तो प्लीज़ मदद कीजिए मेरी प्लीज़। हेलो हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये वीडियो मैं बड़ी इमरजेंसी में बनवा रहा हूँ ताकि किसी और दोस्त का ना ये नुकसान ना हो जाए। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने अक्सर टिकटॉक पे जो वीडियो पसंद आता था, पनी वीडियो जो भी था, तो मैं अक्सर वो उठा के यूट्यूब पे डाल लेता था। तो जितनी शॉर्ट वीडियो थी मैं यूट्यूब पे शेयर करता था, तो मुझे इल्म नहीं था इसके बारे में कि ये शायद इस पे ना रिएक्शन होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी अर्से तक तो मैंने डाल दी, लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि मेरे सारे वो व्यूअर थे वो भी चले गए, वेड बीश मैन शेयर नहीं हो रहा था और वहाँ पे व्यूअर नहीं आ रहे थे। तो फिर तकरीबन एक हफ्ता बाद वहाँ से यूट्यूब से वो ईमेल आ गया और कह रहा था कि तेरा मोनेटाइजिंग जो है वो उसको हमने ख़त्म कर दिया, बैन कर दी, क्योंकि आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप सारे जितने भी कॉपी वीडियोज़ है वो आप शेयर करते हैं अपने ऑडियंस के साथ। तो मैं अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूं, ये बहुत बड़ी गलती की। अभी मेरे 15,000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 15,000 सब्सक्राइबर हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि इसको दोबारा कैसे बहाल कर दूं। और आप दोस्तों के पास भी अगर कोई आइडिया ऐसे है तो बता दें, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे वार्निंग दी है कि भाई आपके पास सिर्फ एक ही ज़रिया है कि आप अपील कर सकते हैं, बाकी अभी जो फ़िलहाल जो है वो मोनेटाइजिंग सिस्टम मेरे रुक गई है, मेरी कोई भी वीडियो मोनेटाइजिंग नहीं हो रहा। तो आप लोग भी बड़ी ध्यान से, बड़ी सोच समझ के, आप लोग जितने भी दोस्त हैं यूट्यूबर हैं, वो ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए जैसे मैंने की है, ठीक है। तो मैंने अपना चैनल खुद अपने हाथों से बंद करवा दिया। तो बाकी माशाल्लाह से मेरा अच्छा खासा व्यूअर आ रहे थे और अच्छे खासे वीडियो वायरल हो रहे थे। बस सबसे बड़ी गलती जो मैंने की वो यही की कि मैं ये टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम वहाँ से वीडियो उठा के इधर मैं शेयर करता था अक्सर। तो आप लोग ऐसी गलती कभी नहीं करना, वरना मेरे जैसा हाल होगा और अच्छा खासा चैनल आपको आप खुद बर्बाद कर दोगे अपने हाथों से। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई किसी को अच्छा आइडिया है कि मेरा चैनल दोबारा बहाल हो जाए तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो ताकि मेरा चैनल दोबारा से बहाल हो जाए। और अभी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये दोबारा मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पास कोई भी हल नहीं है, तो कोशिश करो कि आप लोग भी इससे बच जाएं, ठीक है। और जैसी भी हो तुम लोग अपने ही वीडियो वीडियो बना के अपने मोबाइल से, कैमरे से वो अपलोड कर लिया करो ताकि बाद में कोई मसला ना आ जाए, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने एक खिलाफ वर्जी की, दूसरी की, तीसरी की, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा और आप सोचेंगे कि ये वहाँ पे यूट्यूब नोटिस नहीं कर रहा शॉर्ट वीडियो में, लेकिन वो कर रहे हैं। वो 1 महीना, 2 महीने, 2 महीने के बाद ऑटोमेटिक तेरा सारा चैनल मोनेटाइजिंग है वो बंद हो जाएगी। तो नुकसान ना कर लो, क्योंकि फिर दोबारा मोनेटाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। बाकी अपना ख्याल रखें।
ओके बाय बाय, दुआओं में याद रखें ताकि मेरा चैनल बहाल हो जाए। बड़ी कोशिश हूँ, बड़ी मेहनत से बनाया है। ओके भाई, बाय बाय।